वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ने एमएलसी पद के अपने उम्मीदवारों को लेकर सबको चौंका दिया है और तीन बड़े नाम तय किए हैं। समाजवादी पार्टी ने आलोक शाक्य को एमएलसी पद का प्रत्याशी बनाया है, किरण पाल कश्यप गुड्डू जमाली को भी सपा ने टिकट दिया है। यानी कि जिस तरह से नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उनकी एमएलसी की टिकट फाइनल मानी जा रही थी, लेकिन सपा ने चौंकाते हुए तीन बड़े नामों को फाइनल कर दिया। आलोक शाक्य जो मैनपुरी से वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, शाक्य समाज के बड़े नेता हैं और शाक्य समाज के लिए ही समाजवादी पार्टी ने ये बड़ा संदेश दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सीधे चुनौती देते हुए आलोक शाक्य दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश में। वहीं गुड्डू जमाली ने पिछले दिनों ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, उनको आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी का साथ देने का तोहफा दिया जा रहा है और उनको विधान परिषद भेजा जा रहा है। पूर्व मंत्री किरण पाल कश्यप का नाम भी कल से सुर्खियों में था। शामली जिले के बड़े नेता है, कश्यप समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और अखिलेश यादव ने तय किया है कि पीडीए रणनीति के तहत ही किरण पाल कश्यप को एमएलसी बनाया जाएगा। यानी कि आलोक शाक्य, किरण पाल कश्यप और गुड्डू जमाली अल्पसंख्यक और पिछड़ों का पूरा ध्यान इन तीन प्रत्याशियों के तौर पर सामने आ रहा है। राज्यसभा चुनाव में जो गलती शायद समाजवादी पार्टी की ओर से की गई, वो एमएलसी चुनावों में न दोहराई जाए, इसी को ध्यान रखते हुए तीन नामों को तय किया गया और उन तीन नामों में आलोक शाक्य, किरण पाल कश्यप और गुड्डू जमाली के नाम शामिल है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने एमएलसी के लिए अपने तीन उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने आलोक शाक्य को एमएलसी का प्रत्याशी बनाया है, साथ ही किरण पाल कश्यप और गुड्डू जमाली को भी टिकट दिया है। पूर्व मंत्री आलोक शाक्य वर्तमान में मैनपुरी के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव के दौरान जब डिंपल यादव ने ताल ठोकी थी, उस वक्त आलोक शाक्य को जिला अध्यक्ष बनाया गया था और लगातार आलोक शाक्य के निर्देशन में ही मैनपुरी में समाजवादी पार्टी काम कर रही है। और जिस तरह से मैनपुरी में जीत हुई समाजवादी पार्टी के उपचुनावों के दौरान और जो माहौल दिखाई दे रहा है, उसी का सीधा सीधा फायदा और उसका सीधा सीधा उसी का रिटर्न गिफ्ट आलोक शाक्य को दिया गया है और आलोक शाक्य अब विधान परिषद जाएंगे। शाक्य समाज के लिए समाजवादी पार्टी के संदेश है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने शाक्य नेता के तौर पर आलोक शाक्य को समाजवादी पार्टी खड़ा कर रही है। गुड्डू जमाली ने पिछले दिनों ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, आजमगढ़ सीट पर वो सपा का साथ देंगे और इसी का तोहफा उन्हें भी दिया गया है। गुड्डू जमाली को एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पूर्व मंत्री किरण पाल कश्यप को भी टिकट दे दिया गया है। शामली जिले के बड़े नेता है, कल से ही उनका नाम सुर्खियों में था। कश्यप समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको भी विधान परिषद भेजने की तैयारी समाजवादी पार्टी ने कर ली है। तो तीन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान सपा ने कर दिया है, आलोक शाक्य, किरण पाल कश्यप और गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद की टिकट दे दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं।